सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्ष 2022 प्रारंभ हो चुका है, जिसकी हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। उसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 की अवकाश तालिका जारी हो चुकी है, जो सत्र 2022-23 हेतु ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि इस माह में कौन सा अवकाश पड़ेगा और उसी अवकाश के तहत आप अपनी प्लान कर पाएंगे कब कहाँ जाना है छुट्टियों में और किस तरह से आपको अपनी प्लानिंग करना है बेसिक शिक्षा परिषद के अवकाशों को लेकर के। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। साथियों, देखते हैं सत्र 2022 की सचिव महोदय के द्वारा जारी अवकाश तालिका। साथियों, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक संख्या 30 दिसंबर 2021 का यह आदेश है। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में वर्ष 2022 में दिए जाने वाले अवकाशों की तालिका का प्रेषण। महोदय, उपयुक्त विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष 2022 में दिए जाने वाले अवकाशों की तालिका संलग्न कर प्रेषित है। उक्त तालिका के अनुसार विद्यालयों में वर्ष 2022 में दिए जाने वाले अवकाश देय हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवकाश किसी भी स्तर से कदापि न दिया जाए। कृपया अवकाश वली को मुद्रित कराकर प्रत्येक प्रसिद्धि विद्यालय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। धोदी प्रताप सिंह बाघेल जी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। ये साथियों महत्वपूर्ण आदेश था। अब आपको एक अवकाश तालिका की नज़र डाल देते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रसिद्धि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका, ये सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए है। जो एडेड विद्यालय हैं उनके लिए अवकाश तालिका ये मान्य है। अवकाश गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस पहला अवकाश रहेगा, 9 जनवरी 2022 दिन रविवार पड़ेगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 बुधवार। शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। साथियों, बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार। मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस 15 फरवरी 2022 दिन मंगलवार। संत रविदास जयंती 16 फरवरी 2022 बुधवार। शिक्षक कार्य स्थगित रहेगा। महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार। होलिका दहन 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार। होली 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार। रामनवमी 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार। डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महावीर जयंती 14 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार और बी आर अंबेडकर जयंती के दिन शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। गुड फ्राइडे 15 अप्रैल 2022, ईद उल फितर 13वें अवकाश है। साथियों, 3 मई 2022 दिन मंगलवार। बुद्ध पूर्णिमा 16 मई 2022, ईद उल जुहा यानी बकरीद 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को। मुहर्रम 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार और रक्षाबंधन 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार। यहाँ पर शिक्षण कार्य स्थगित। जन्माष्टमी 18 अगस्त दिन गुरुवार। चेहल्लुम या विश्वकर्मा पूजा एक ही दिन दोनों निर्धारित है, 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार। महात्मा गांधी जन्मदिवस 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार। शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। महात्मा गांधी जन्मदिवस को दशहरा और महानवमी 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार। दशहरा विजयदशमी 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार। ईद ए मिलाद बराफात महर्षि वाल्मीकि जयंती, ये आपको दोनों एक ही साथ है, 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार। नरक चतुर्दशी 23 अक्टूबर 2022। दीपावली 24 अक्टूबर 2022। गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर दिन बुधवार और भैया दूज चित्रगुप्त जयंती 27 अक्टूबर दिन गुरुवार। साथियों, लगभग 4 से 5 छुट्टियां 28 तक में आपकी
संडे को यानी रविवार को जा रही हैं। इसके पश्चात आगे देखते हैं, छठ पर्व पूजवा 29वीं अवकाश है जो 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को, छठ पर्व भी संडे को जा रहा है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती आपको 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को अवकाश रहेगा। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस 24 नवंबर 2022 और एक माह के बाद क्रिसमस डे यानी सबसे बड़ा दिन आपका 25 दिसंबर 2022 ये वो भी रविवार को। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था कि पहली छुट्टी भी आपकी रविवार और अंतिम छुट्टी भी रविवार, जैसी शुरुआत हुई वैसे ही आपका लास्ट भी हुआ संडे से ही। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जयंती 9 जनवरी 2022 दिन रविवार, लेकिन ये जो पहली अवकाश है ये तो आपकी विंटर वैकेशन में ही चली जाएगी क्योंकि 31 दिसंबर से आपकी 14 जनवरी 2022 तक तो अवकाश पहले से निर्धारित है टाइम एंड मोशन के तहत। और इस प्रकार से और भी निर्देश हैं, टिप्पणी दी गई है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय तो कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 में पढ़ाई के घंटे निम्नोक्त निर्धारित है। शैक्षणिक समय साथियों रहेगी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, प्रार्थना सभा योगाभ्यास प्रातः 8 बजे से 8:15 बजे तक एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, प्रार्थना सभा योगाभ्यास 9 बजे से 9:15 बजे तक संचालित होगी। ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मकाल में मध्यावकाश अपराह्न 10:30 बजे से 11 बजे तक और शीतकाल में मध्यावकाश अपराह्न 12 बजे से 12:30 बजे तक होगा। शीतकाल यानी आपका जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो विद्यालय चलेंगे उसमें मध्यावकाश 12 बजे से 12:30 बजे तक होगा, और जो 31 मार्च के से आपके 30 सितंबर तक विद्यालय चलेंगे वहाँ आपको जो ग्रीष्मावकाश मध्यावकाश दिया जाएगा यानी इंटरमिशन लंच चलेगा 10:30 बजे से 11 बजे तक दिया जाएगा। इस प्रकार से समस्त जिलाधिकारी द्वारा अनुमन अवकाश देय होंगे। उपर्युक्त वर्णित अवकाश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय में ही अनुमन्य होंगे। मुस्लिम त्यौहार चंद्र दर्शन के अनुसार एक दिन आगे व पीछे हो सकते हैं। हरितालिका तीज अथवा हरियाली तीज, करवा चौथ, संकटा चतुर्थी एवं हलष्ठी, ललई, छठ, ज्योतिया व्रत, अहोई अष्टमी का अवकाश केवल अध्यापिकाओं बालिकाओं के लिए होगा। ग्रीष्मावकाश 20 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक होगा तथा शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होगा। ये साथियों इस बार से ये विंटर वेकेशन आपका प्रारंभ हुआ, इसी प्रकार से आपके ग्रीष्मावकाश की भी समय सारणी में बदलाव हुआ है जो 20 मई से 15 जून तक आपका विद्यालय बंद रहेंगे, ग्रीष्मावकाश दिया जाएगा, और 15 जून से पूर्वत विद्यालय खुलेंगे और 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक ये आपका शीतकालीन अवकाश फिक्स कर दिया गया है। समस्त राष्ट्रीय पर्वों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती को शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। शिक्षक एवं छात्र विद्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिभाग करेंगे। विद्यालय समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएँ अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा घोषित अवकाश देय होगा। उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। श्री प्रताप सिंह बाघेल जी, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज। ये महत्वपूर्ण अपडेट था साथियों, शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022 में दिए गए जाने वाले अवकाशों की तालिका जारी, देखें करें डाउनलोड। ये साथियों इसका जो है आप अवकाश तालिका को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा जो अवकाश तालिका घोषित की गई है वहां से आप उसको प्रिंट ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थी जो बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई थी, और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।